हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सो लैंटू के आगे की नोवेल को कंटिन्यू करने वाला हूं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर शैन ने फरी आए गोल्डन बीस्ट को होस्टेज बना लिया था, पर इसे देखकर हुआ युहा पूछ का है, आप में से फ्लेड लाइन किन को ये चूजा ने दिया और इस अकेले को क्यूँ पकड़ रखा है। तो शैन कहते हैं, मैंने तो सिर्फ इसे अपना होस्टेज बना रखा है, जो कि इसके बदले में रेड लाइन किंग तुम्हारे ये किसी और स्पिरिट बीस्ट को पकड़ के लेके आएगा। और शैन कहते हैं, ये स्पिरिट बीस्ट मेरी बात नहीं मानेगा, जैसा कि इसका नेचर है, और यह स्पिरिट बीस्ट तुम्हारे ये काफी ज्यादा फर्टेबल रहेगा और तुम्हारी कल्टिवेशन को काफी ज्यादा बूस्ट भी कर सकता है। और शैन की इस बात को सुनकर वुल्फ बीस्ट कहता है, दुष्ट इंफेलो, तुम्हारी हिम्मत तुम लोगों मुझे जख्मी करने की, और चलो मैं कभी तुम्हारी खुद की ही कब्र को खोदने देता हूँ, जिससे तुम धीरे धीरे करके मिटो दे। और इस तरफ हुआ युहा वुल्फ बीस्ट की आवाज को फिनिक काफी चौंक जाता है, जो की वुल्फ बीस्ट की वॉइस काफी ज्यादा मीकी और सुंदर होती है, और तो और इसकी आवाज किसी क्यारी फी युवन दर की जैसी होती है। और वुल्फ बीस्ट की बात को सुनके शैन गुफे से कहते हैं, तुम्हारी इस बुड्ढे को धमकाने की कैसे हिम्मत हुई, क्या यही तुम्हारा एम्बिशन है? और इतना कह के शैन वुल्फ बीस्ट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बस एक एनसेट स्पिरिट बीस्ट हो, और यह बात पर सच है कि जहां पर भी तुम जाते हो तो तुम उस जगह को ट्रांसफॉर्म करके किसी पैराडाइज जैसा कर देते हो, लेकिन सभी बीच कमी अपने ट्रेजर की ग्रह ट्रीट करते हैं, जो कि कम उनकी मदद करते हो काफी तेजी से ग्रो होने में। और क्या तुम ये सच में रखता है कि वो कमी अपना एम्प्लॉयर मानते होंगे? और शैन की इस बात को सुनकर वुल्फ बीस्ट रोते हुए कहती है, तुम इंसान दफ बकवास करना ही जानते हो। पर शैन कहते हैं, अच्छा अगर तुम उनकी और ज्यादा हेल्प नहीं करती हो तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे? और इस चीज का स्वीकार करना कि तुम उनके लिए बस एक ऐसी चीज हो जिसका ये सभी फायदा उठाते हैं। हुआ युहा इधर आओ, अपने माथे को इसकी खरदाय पर लदाओ। और शैन की इस बात को सुनकर वुल्फ बीस्ट काफी ज्यादा भयत जाती है और कहती है कि ऐसा करने की तो हिम्मत भी मत कर लेना। तो शैन इस बीस्ट के बारे में बताते हुए युहाओ से कहते हैं, ये बीस्ट जिस जगह भी होता है उस जगह को बाती के बीस्ट भी अपना घर बना लेते हैं, जिससे कि वो इस जैसी सुप्रीम ने जिस बीस्ट की करीब रह सके, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और इन बेनिफिट्स से उनका फ्यूचर समृद्ध हो जाता है। और इस बीस्ट के पास सच में इम्प्रेसिव लेवल की एक स्पिरिट पावर है, जो कि फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में काफी बड़ी मदद करेगी। जबकि वुल्फ बीस्ट बार बार इस चीज के लिए मना कर रहा होता है, और वुल्फ बीस्ट को इस तरीके से लड़ता देख हुआ युहा भी काफी हैरान होता है, और शैन वुल्फ बीस्ट से इसी रजिस्ट न करने के लिए कहते हैं। और शैन के इमेंस प्रेशर के चलते फ्री आइड गोल्डन लैंड बड़ी ही आसानी से अपने घुटनों पर आ जाता है, और प्रेशर की वजह से इसका फिर भी जमीन पर टिक जाता है। और जैसा कि शैन ने युहाओ को बताया था, युहाओ वैसे ही अपने फोरहेड को इसकी फ्लोराइड पर रखता है, जिस वजह से इनके बीच में सी गोल्डन लाइट में करने लगती है। और इस तरफ शैन ना ही जानते थे और ना ही समझ कर थे कि यह खरदाई कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस स्पिरिट बीस्ट के लिए, और अगर इसकी खरदाई के आसपास का गोल्डन एरिया रजिस्ट करता तो यह आत्महत्या करने में हिचक चाहता भी नहीं है। और इसके खरदाई के आव के दिल में इस गोल्डन लैंड के काफी बड़े रहस्य छिपे हुए हैं, और शैन इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यह मन में कहते हैं, क्या यह बीस्ट काफी ज्यादा फैल चुका है या फिर यह अपनी बेकार सी जिंदगी को खत्म करना चाहता है? और कभी काफी स्ट्रांग और रहस्यमय पावर फॉरेस्ट में दिखाई पड़ती है, और ये लाइट वहाँ से आ रही होती है जहाँ पर वो मिस्टीरियस सर्कल बना होता है, और यहाँ तक कि यह फैल पे वोंगोंग और सीओ सीओ के पास तक पहुँच जाती है, जिस वजह से ये भी उस सीन को देख पा रहे होते हैं। और जब वोंगोंग इस मिस्टीरियस लाइट को देखता है तो यह इसे काफी अजीब दिखती है, जिस वजह से इसे काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कि कोई चीज हमेशा के लिए जा चुकी है। और जैसे ही वो सकल यहाँ से गायब होता है तो चीजी तय की तरह नॉर्मल और शांत हो जाती है। और इसका रफ हुआ युहाल अपने हाथ को फोरहेड पर फेंकते हुए मन ही मन वुल्फ बीस्ट से कहता है, क्या ये तुम्हारी कीमती यादें हैं? जिस पर वुल्फ बीस्ट कुछ भी नहीं कहती है। और इसका रफ शैन हुआ युहाल से पूछते हैं, क्या सब ठीक है क्या? और यहाँ तक कि इस मिस्टीरियस सकल से बाहर आने के बाद भी हुआ युहाल एकदम ठीक होता है, और फिर शैन इन सभी को ये की उड़ के फॉरेस्ट के बाहर आ जाते हैं और श्रेक एथमी के बॉर्डर पर आके रेड लाइन किंग के आने का इंतजार करने लगते हैं, जिससे कि इन और भी ज्यादा परेशानियों से बच सके। और इस उड़ान के दौरान युहाओ मेडिटेट रहा होता है और धीरे धीरे उन सभी बदलावों को महसूस कर रहा होता है जो कि उस स्पिरिट बीस्ट से आए थे, और ये भी महसूस करता है कि इसकी जो खुद की खाईदाई है वो भी काफी अंदर तक बदल दी गई है। और ग्रीब और हुआ युहाओ के ठाईटाइने रहता था, वो भी इन बदलाव को देखता है। हुआ युहाओ इससे पूछता है, क्या हुआ, कम इज्जत हो गई हो? जिस पर ग्रे बॉय कहता है, मैं ठीक हूँ, वैसे तो बेस्टनी की पावर की जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में काफी अमेजिंग है, लेकिन उसका मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ है। और डेस्टनी की पावर को सुनकर हुआ युहाओ भी थोड़ा सा चौंक जाता है। तो ग्रे बॉय बताता है कि यह कुम्ही उस बीस्ट में भी है और यह तुम्हारे ब्लड के अंदर समाधि है और कुम्ही नई पावर भी है,
और इस क्यू की पावर कुम्हारी थर्डाई में है और इस वजह से कुम्हारी खर्डाई का नाम मिंग्यू जुयान हो गया है। इसका मतलब थी आई ऑफ डेस्टिनी और जो योग भी तुम्हारी आई ऑफ डेस्टिनी को देखेगा तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार उसकी डेस्टिनी को बदल सकते हो। और भाई लोग यू जो पावर युहाओ को मिली है इसकी मदद से यह डुलू कॉन्टिनेंट के अंदर किसी को भी हरा सकता है। और जैसा कि मैंने आप नोबो से पूछा था कि आपको हुआ युहाओ और टाइनफिन में से कौन ज्यादा पसंद है या फिर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यह है आप लोगों में से ज्यादा योग टाइनसिन को पसंद करते हैं। और हाँ, आपने यू भी कहा है कि टाइनसिन ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पसंद है। लेकिन आप लोगों को यू बात अच्छी सी जान लेना चाहिए, हुआ युहाओ एक ऐसी पर्सन है जो ह्यूचर्वी टाइनसिन से भी तई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप लोगों में फिर कुछ योग पूछेंगे आखिर ऐसा कैसे, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना। अगर चाहिए तो ड्रे बोर हुआ युहाओ सी कहता है फुब ही डेस्टिनी क्यू पावर के द्वारा ब्लेस दिया गया है और ये तुम्हें ये किसी खतरे के बिना नहीं मिली है। इसलिए तुम्हें सीखना होगा कि इस पावर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और अब तो तुम दोनों की ये डेस्टिनीज जुड़ गई हैं। और डेस्टिनीज का जुड़ने वाली बात को सुनकर हुआ युहाओ थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि मतलब कि बोर्डन लाइन की और मेरी कोब्रे बॉन कहता है तुम दोनों ही डेस्टिनी की पावर से एक साथ बन रहे हो। और अब जब तुमने अपनी यादों को उसकी फैट शेफ किया है और इसके अंदर हम तीनों ही इंप्यूट होते हैं और अब वह हम तीनों के बारे में जानता है और बाद में तुम्हारी डेस्टिनी में कुहारे और उस लाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी और शायद तुम्हें ऐसा भी लगता हो कि यह सिर्फ समय की बर्बादी है। हालांकि अगर तुम एडवेंचर अल्टीमेशन के शिखर पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ उन चीजों के ऊपर ही फोकस करने की जरूरत नहीं है जो कि फिफ्थ कुम्हारी पावर को ही बराबर हो और करीब अभी घंटे बाद रेड लाइन किन ब्लॉक आता है और यह अपनी फैट 10,000 ईयर बाय बल्स स्पिरिट फॉक्स को लेके आया हुआ होता है जिसके बदले में यह थरी आइट बोल्डन लैंड को ले फेंकते और फिर शांत से धन्यवाद कहके हुए कहते हैं यू बना भी चलेगा लेकिन जो तुम्हारे पीछे है लगता है कि वो अपने आप को सामने लाना नहीं चाहता है। तो क्या तुम एक्स गेम का सत्य हो कि यह फल्थ्यू है और कभी आसमान भी काले से बादल आ जाते हैं जिन भी फ्नाव आ जाती है तुम जो चाहते थे कुम्भी वो उम्मीद है ना आप जल्दी से यहाँ फिर चले जाओ। और यह किंद अपने फिल्म की गारंटी देता है कि यह मसला यही कर खत्म हो होता है और इस मैटर को आगे नहीं किया जाएगा। और इस एम्परर की वजह से लॉन्डाउन काफी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने सोचा ना था कि स्टार डू फॉरेस्ट का जो किंग होगा उसका भी कोई बॉस होगा। तो शैन के कहे अच्छा तो तुम एम्परर हो, ये तो काफी अच्छी बात है और मुझे तुमका पूरा भरोसा है। और फिर ये योग गोल्डन लैंड को आजाद कर देते हैं और फिर शैन तुरंत ही इन तीनों की टीम को अपनी फैट लेके श्रेक एकेडमी लौट जाते हैं। ऑनेस्कर एम्परर कहता है बदमाश तुम बात नहीं मानते हो वह इंसान सब में सबसे खतरनाक था आदि बास प्रोटेक्शन एरिया से बाहर मत निकलना पर इसकी बात के लिए गोल्डन लाइन बीस्ट मान जाता है और यह कहता है कि उस इंसान ने कहा कि तुम मुझे ऐसे इसलिए ट्रीट करते हो क्योंकि मैं तुम्हारे ये यूजफुल हूँ और जब मैं तुम्हारे ये यूजफुल नहीं रहूंगा तब तुम मुझे किसी बेकार चीफ की तरह फेंक दोगे। फिर एम्परर कहता है कि बदमाश लव क्यों तुम्हें पता होना चाहिए कि इस भूमि के अंदर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें यूजफुल माना जा सकता है लेकिन हम स्पिरिट बीस्ट के लिए वैयू जैसा कोई कॉन्फ्लिक्ट में ही है खासकर हमारे बीच में और 10,000 साल फैक्ट में रहने के बाद मैं एक चीज निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ तक कि अगर तुम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबिलिटी को भी खो देते हो तब भी को भी सिंपर के बच्चे रहोगे और जब तक कि मैं जिंदा हूँ तब तक कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो बोल लान बेस्ट कहता है मुझे माफ करना मैं एक अच्छा बच्चा नहीं जो मैंने आपके ऊपर डाउट किया। और फिर ये दोनों एक साथ अपने घर चले जाते हैं और आफ्रिकार यू पोसाइडन पवेलियन यॉर्क आता है और शाम तो तभी हुआ युहाओ को 10,000 ईयर और स्पिरिट बीस्ट भी देते हैं मारने के लिए और इसे गाइड करते हैं इसे एडजॉर्ट करने में और हुआ युहाओ को इसे एडजॉर्ट तरफ भी बेच शान कहते हैं। ये तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है जो यह इतनी कम उम्र में 10,000 ईयर स्पिरिट रिंग को एडजॉर्ट कर पा रहा है और डेव के ऐसा लगता है कि वह जो मिस्टीरियस साथ है वह फच में एडजस्ट कर भी है जिसका हुआ युहाओ ने पहले जय खुटिया खा और यह कैंसर की डिसेबल कहलाने की काबिल है और इस तरीके से मुझे अब बुरी तरीके से राहत मिल गई है और यह त्रितमी भी बुरी नहीं थी और चलो अब मैं भी चलता हूँ मुझे मुलाक को भी अपनी रिपोर्ट देनी होगी। और जैसे शान मुलाक को देखते है तो ये काफी ज्यादा भबला जा गए जो कि मुयाद एक चुपचाप बैठे हुए थे और कौन इनका चेहरे पर गया था जैसे कि यह बेजान हो और ये कब बिल्कुल भी ऐसे नहीं बिकते थे जब ये इन्हें छोड़ के गए थे और ये घबराते हुए पूछते हैं मुलाक क्या ठीक है को मुलाक कहते हैं शान वह बच्चा भाग गया है और इस चीफ को फ्रम शान की काफी पिबरे वाले होश हो जाते हैं और ये कह रही है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और वो क्लाब की सी के अंदर थी ना तो वो कैसे उससे बच के भाग सकती है। तो मुलाफ की फे है हमने उसी इंडस्ट्री में किया एक बंदा सियाटाओ की सी के पास आया और उसे कोर दिया जिस वजह से सियाटाओ भागने में कामयाब हो पाए और जब तुम यहाँ से चले गए थे तब अकेडमी की ओपर दुश्मनों में अटैक कर गया था इसी ने बाहर दुश्मनों का सामना करने के लिए चली देखे और इसी दौरान सियाटाओ को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी
और वही हरफी भाग में की और वह जो अपोनेंट आया था वैसे तो वह अनजान था लेकिन वह काफी ज्यादा पावरफुल था और वह 11 लोगों के साथ आया था और वह सभी डार्क स्पिरिट मास्टर्स थे और उनमें से 4 को ब्रांड सोन मास्टर्स थे और डार्क स्पिरिट मास्टर्स का सुन के शैन काफी ज्यादा चौंचा पे है और ये हैरान परेशान होकर वे कहते हैं क्या हम इसमें कुछ कर भी सकते हैं क्या, जिस पर बुयाव कहते हैं हाँ लेकिन बेफ के ऐसा लगता है कि मुझे जिस बारे में सबसे ज्यादा चिंता भी वही हो बे। और उन डार्क स्पिरिट मास्टर्स ने फीफे की अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और हमें यह मानना चाहिए कि यह जो हुआ है यहाँ तक सबसे बुरा हुआ है और वियाटाओ के यहाँ पर न होने वाली बात तो किसी भी कीमत पर वह युवाओं को पता न चले और जितना की एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा समय लगता है वन युवाओं को स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने में और इस स्पिरिट रिंग को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने में वह युवाओं को करीब 3 दिन लग जाते हैं। और जब ये सूरज का सामना कर रहा होता है तो यह इस ड्यूटीफुल व्यू को काफी ज्यादा एंजॉय करता है और यह काफी सारी रेड और गोल्डन वेव्स को एक साथ देखता है और यह गोल्डन लाइट पूरे लैंड के ऊपर फ्लो होते हुए दिखती है और ये लाइट के मूव करते हुए डॉट्स डेस्टिनी की एस एंड ट्रेविस से संबंधित दिखते हैं और यह मिस्टीरियस होने के साथ साथ इनमूवेबल भी होते हैं और इस अद्भुत दृश्य की वजह से आप फिर गार्ड हुआ युवाओं की खरदाई भी ओपन हो ही जाती है और वैसे को डेस्टिनी की आय काफी ज्यादा रहस्यमय होती है तब भी एल चमकदार चमक को रिलीज कर रही होती है और जैसे ही युवाओं कुरन भी अपनी आंखों को खोलता है तो बहुत अद्भुत दृश्य कुरन भी गायब हो जाता है और यो वाला व्यू पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं बिक रहा होता है और फिर युवाओ अपनी आय ऑफ डेस्टिनी की पावर की फैक्ट अपनी खैच स्पिरिट्स के उगलाज में पाए तो इसे काफी बढ़िया सरप्राइज मिलता है क्योंकि इसकी स्पिरिट स्किल वह पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और कवाल इसकी स्पिरिचुअल पावर भी पहले से 3 गुना ज्यादा असरदार हो गई थी और आई ऑफ डेस्टिनी गिर हुआ युवाओं की स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया होता है और खत स्पिरिट स्किल के साथ ही युवाओं की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होती है और अब लेवल 32 शिखर तक पहुंच गया होता है और इसकी जो अचानक फीट भी ज्यादा स्ट्रेंथ बली होती है तो इसीलिए काफी ज्यादा खुश होता है और यह काफी मजने आ जाता है जिसके बाद यू पोफ्यूटन पवेलियन आ जाता है जिससे कि हम उलाव को अपने प्रोग्रेस के बारे में बता सके और एक बारी जैसे ही वह युवाओं टीचर का बेजान सा चेहरा देखता है तो यदि इनके ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है लेकिन इस चीज को लेकर शैनसी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं और यह बस लोहाउस भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इस क्या है ऑफ डेस्टिनी को लेके और यही कहते हैं कि तुम्हारी आई गोल्डन लायन ने इस पावर को तुम्हारे साथ शेयर किया है और तुम्हें इस डेस्टिनी शब्द के मतलब का काफी गहराई से स्टडी करनी होगी जिसके लिए हुआ युवाओ भी मान जाता है और फिर मुलाव कहते हैं आज फिपल एकेडमी से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम 3 दिन फैन्यू के साथ स्टडी करोगे और उसके अगले 3 दिन मेरे साथ स्टडी करोगे और जो आखिरी दिन रह जाएगा उसमें तुम वॉन्डॉन की फैथ ट्रेनिंग करोगे और यह 7 दिनों का साय की ऐसे ही चलेगा वह भी बिना किसी छुट्टी के और युवाओ आज से कम ये जितना हो सके उतना जल्दी अपने कर्ट को इम्प्रूव करना होगा और तुम्हारी टैलेंट के हिसाब से ये तो गारंटी है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्लोरेस होगा लेकिन इसका मतलब ये भी है कि तुम्हें और भी ज्यादा जिम्मेदारियों को उठाना होगा और यू टीचर उम्मीद करता है कि अगले 2 सालों में तुम्हारे पास इतनी पावर हो जिससे कि तुम आर्मी का विरोध कर सको और तुम्हें जो डेस्टिनी की पावर मिली है इसका मतलब यह है कि डेस्टिनी ने तुम्हें चूज किया है और नाउ फिर फ्यूचर में तुम्हें श्रेक एकेडमी को प्रोटेक्ट और टैनफेक्ट को रिवाइव करने की जरूरत होगी बल्कि इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि तुम ही कॉन्टिनेंट की स्थिरता और शांति को सुनिश्चित करने के लिए कभी जिम्मेदार हो गए और इन बात को खुद ध्यान में रखना और अपना बेस्ट देना और अपने टीचर्स की लेसन के भी काबिल बनना। और इसी के फैक्ट हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो पूरा सा भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर